नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। दोस्तों, जीडीपी और बेरोजगारी में क्या अंतर है, इन दोनों का क्या असर है हमारे देश पे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सब लोग यह अनुमान लगाते हैं कि जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिलेगा तभी वो देश की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की जीडीपी इस वक्त 8% की दर से बढ़ रही है, लेकिन वही अगर के बेरोजगारी की बात करें तो वो भी लगभग 8% हो गया है। एम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात करें जहाँ पे हमारे देश में, तो ये एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि पढ़े लिखे 100 लोगों में से 7 लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, मतलब उन लोगों को काम करने की शक्ति है, क्षमता है और अनुभव भी है, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे 100 में से 7 लोग हैं दोस्तों जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, आइए हम जानते हैं। 1960 और 70 के दशक में चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया ने विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने की अनुमति दे दी थी, जिससे हुआ कि वहाँ के देशों में कंपनियाँ इस्टेब्लिश हुई और वहाँ पे रोज़गार मिला और वहाँ से कंपनियाँ बाहर निकली और वहाँ के लोगों को अनुभव हुआ तो वहाँ की जीडीपी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। और हमारे देश में यही सरकार 1991 में आईएमएफ के प्रेशर के बदौलत हमारे देश में अनुमति दी जाती है। सोचिए दोस्तों, वो लोग 1960 में और हम 1991 में ये काम करते हैं। तो होता क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल के जितने भी कंपनियां होती हैं वो चाइना में हब बन जाती हैं और हमारे देश में बन जाते हैं सर्विस सेक्टर की कंपनियां। सर्विस सेक्टर में होता क्या है दोस्तों कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। तो सर्विस सेक्टर में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम लगते हैं और देश की जीडीपी में, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही जितना कि इंडस्ट्रियल लेवल की कंपनियाँ करती हैं। इंडस्ट्री लेवल में होता क्या है कि वहाँ पे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और सर्विस सेक्टर में कम, इसलिए वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश है और यहाँ पे सर्विस सेक्टर हमारे देश में कदम रखता है, जो कि 1991 में विदेशी कंपनियों को लाने के बाद हुआ था। वो चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के हब बन जाते हैं और हमारा देश सर्विस सेक्टर का हब बनता है, इसीलिए यहाँ पे बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ता है, ना कि बेरोजगारी कम होता है। हमारे देश में बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी पोस्ट के लिए लगभग 10,000 एम्प्लॉई, 10,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है और हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो बनी हमारी सरकार ने एक कदम उठाया था मेक इन इंडिया, इसके तहत हमारे देश में रोजगार तो बन रहे हैं लेकिन ये काफ़ी लेट कदम उठाया गया है। यही जो सरकार ने मेक इन इंडिया अभी उठाया है, इसको 30 या 40 साल पहले उठा देते तो बेरोजगारी का इतना बुरा हाल और जीडीपी हमारी काफ़ी ज़्यादा हाई होती। अनएम्प्लॉयमेंट का एक ये असर भी होता है कि टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी अगर के आगे बढ़ती है, एडवांस मशीनें आती हैं, तो वहाँ पे कारीगर्स या वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, जिसका जगह ये मशीनें ले लेती हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती हैं और जीडीपी हाई होता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक इंसान से एक मशीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकालती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिसकी वजह से इसमें भी बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यही एक कारण है कि हमारे देश में जो है कि जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।